पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादरपुर से आपका स्वागत करता हूँ। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे और मानव भूगोल में विश्व की विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ और जनजातियों में बुशमैन शुरू कर रखा था। इससे पहले बुशमैन का निवास स्थान, उनके विभिन्न प्रकार के शारीरिक विशेषता, इनके बारे में इससे पहले की वीडियो में अपने चर्चा कर ली थी। उसी से आगे निरंतर अगला जो वीडियो है उसी से संबंधित है। बुशमैन का विशेष रह गया था पार्ट टू, उसमें बुशमैन के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, औजार, बर्तन, सामाजिक व्यवस्था, आधुनिक समाज से इसका संपर्क, ये टॉपिक वो रह गए थे। तो आज इनको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग इससे पहले एक वीडियो बना दिया मैंने जिसमें ये सबका बुशमैन के किस प्रकार के वस्त्र हैं, बुशमैन किस प्रकार के औजार रखते हैं, अग्निदंड किस प्रकार का होता है, सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से उनका समाज होता है, इन सब की फोटो वीडियो मैंने पहले की, इससे पहले एक वीडियो है वो अपलोड कर दिया। आप उसको एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अपन शुरू कर देते हैं बुशमैन का शेष रहा हुआ पार्ट, बुशमैन और बुशमैन के वस्त्र। बुशमैन है वो त्रिकोणी लंगोट पहनता है। बुशमैन है उसमें पुरुष लोग होते हैं, ये त्रिकोणी त्रिकोणी लंगोट, त्रिकोणी लंगोट पहनते हैं जो पीछे से नकुली होती है, जो पीछे से नुकीली होती है, पीछे से नुकीली होती है। पुरुष लोग होते हैं वो एक प्रकार की त्रिकोणी लंगोट पहनता है जो पीछे से त्रिकोणी लंगोट पहनता है जो पीछे से नुकीली होती है, तथा औरतें भी चमड़े का प्रयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करती है। स्त्रियां चमड़े व छाल से बने जूते काम में लेती है। स्त्रियां होती है चमड़े व छाल पेट की छाल से बने जूते काम में लेती है। स्त्रियां हैं वो चमड़े व छाल से बने, पेट की जो छाल होती है उसे बने हुए जूते काम में लेती है। स्त्रियों के वस्त्र का प्रधान भाग चोंगा होता है। स्त्रियों के जो वस्त्र हैं इसका प्रधान भाग है चोंगा, एक प्रकार का चोंगा पहनती है। इस चोंगे को क्रॉस कहा जाता है, का वो सही क्रॉस कहा जाता है। स्त्रियों का जो वस्त्र है इसका प्रधान भाग है वो चोंगा है, क्या है, चोंगा। इस चोंगे को क्रॉस कहा जाता है। इस क्रॉस में वे अपने नवजात शिशु एवं भोजन आदि वस्तुओं को लपेट लेती है। इस क्रॉस में क्या करती, क्या काम लेती है, क्रॉस में नवजात शिशु व भोजन को लपेट लेती है। तो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर क्रॉस, शॉर्ट आउट में लिखा हुआ सकता है क्रॉस। कारोस क्या है, कारोस स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला प्रधान भाग, स्त्रियों द्वारा जो वस्त्र का जो प्रधान भाग होता है, जो एक प्रकार का चोंगा होता है, जिसको क्रॉस कहा जाता है, कारोस कहा जाता है। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट में दोनों नंबर प्रश्न आ सकता है कारोस। तो कारोस एक प्रकार का चोंगा होता है, स्त्रियां पहनती है। इस चोंगे में वे अपने नवजात शिशु एवं भोजन को लपेट लेती हैं। पुरुष दाहिने कंधे पर एक चोंगा डालकर पीछे से ढक लेता है। जो पुरुष लोग हैं, पुरुष लोग भी ये भी एक प्रकार का चोंगा पहनते हैं।
जो पीछे से रख लेते हैं दाहिने कंधों पर, दाहिनी कंधों पर से पीछे पीछे की ओर इसको ढक लेते हैं, खींच लेते हैं। तो पुरुष लोग हैं दाहिने कंधे पर एक चोंगा डालकर पीठ को ढक लिया करते हैं, पीठ को ढक लिया करते हैं। तो इनके वस्त्रों का मुख्य भाग है ये, मैंने कोरोस क्या होता है और पुरुष द्वारा किस प्रकार का चोंगा पहना जाता है इसका वीडियो मैं आपको, इससे पहले ये वीडियो बनाया है, इसमें फोटो और आपको चित्र बनाए हैं, उसमें इन दोनों के कारोस क्या होता है, पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं इसका वीडियो बना दिया गया है, वीडियो में दिखाया गया है कि वस्त्र किस प्रकार के हैं, एक बार आप उसको देख लें। पुरुष दाहिने कंधे पर एक प्रकार का चोंगा डालकर पीठ को ढक लिया करते हैं, उसमें चमड़े की टोपी और जूते का प्रयोग करते हैं। पुरुष लोग हैं वो चमड़े के जूते और टोपी इसका भी प्रयोग करते हैं, पुरुष लोग हैं वो चमड़े के जूते और टोपी का प्रयोग भी करते हैं। तो कुल मिलाकर आपके इनके जो वस्त्र हैं लिमिट होते हैं, कम मात्रा के होते हैं, कम पहनते हैं। पुरुष लोग हैं वो त्रिकोणी लंगोट पहनता है, त्रिकोणी लंगोट पहनता है जो पीछे की ओर से नुकीली होती है, और औरतें भी चमड़े का प्रयोग अपने उत्तानों को ढकने के लिए करती है। स्त्रियां चमड़े व छाल के जूते काम में लेती है। स्त्रियों का जो प्रधान भाग चोंगा होता है, वस्त्रों का प्रधान भाग होता है वो चोंगा होता है, जिसको कारोस कहा जाता है, जिसको आपको क्या है कारोस कहा जाता है। इस कारोस में वे अपने नवजात शिशु एवं भोजन आदि को वस्तुओं को लपेट लेती है। पुरुष दाहिने कंधे पर से एक चोंगा डालकर पीछे की ओर अपने पीठ को ढक लेता है, उसमें चमड़े व टोपी का प्रयोग भी करते हैं। अगला किसी भी टोपी है उसमें में ही औजार एवं बर्तन वेपन्स एंड एंटिल्स औजार क्या होते हैं इनके, बर्तन किसका प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, तो लकड़ी के बने तीर कमान, फेंकने वाले नुकीले डंडा, भाला, बर्छा, अग्नि दंड इनके प्रमुख औजार हैं। लकड़ी के बने तीर कमान, लकड़ी के बने तीर कमान, लकड़ी के बने हुए तीर कमान होते हैं मुख्य, इनका जो शिकार करने के लिए काम आर्थिक के लिए किसका आधारित है, शिकार पर है, तो शिकार में ये अपने द्वारा बनाए गए तीर कमान है इसका प्रयोग करते हैं, जो लकड़ी के बने होते हैं फेंकने के लिए, लकड़ी की छड़ी होती है, छड़ी काम में लेते हैं, नुकीली छड़ी होती है, नुकीली छड़ी का प्रयोग करते हैं। फेंके जाने के लिए एक प्रकार की नुकीली डंडा होता है, छड़ी होती है, बाला होता है, अग्निदंड होता है, ये इनके मुख्य औजार है। तो लकड़ी के बना तीर कमान है जो शिकार के लिए काम लेते हैं, आर्थिक क्रिया जो पूरी पूरी डिपेंड है शिकार पर, तो लकड़ी के बने तीर कमान, फेंके जाने वाले डंडा और जो बाला है इनका शिकार करने के लिए काम में लेते हैं, लकड़ी का बना होता है, और अग्निदंड मुख्य इनका जो औजार है उसमें अग्निदंड है। ये अग्निदंड का आपको इससे पहले वीडियो में आपको दिखा दिया गया, बता दिया गया, अग्निदंड क्या होते हैं, दो लकड़ियां होती है उनको रगड़ कर और आग पैदा की जाती है अग्निदंड, इसका आपको वीडियो में चित्र दिखाया गया है आप देख लेना। अग्निदंड पेड़ों के छिलकों से रस्सी बनाई जाती है, पेड़ों के छाल से रस्सी बनाई जाती है,
पेड़ों की छाल होती है, छिलकों से रस्सी बनाई जाती है, छिल कर उनको रस्सी बना दी जाती है। दलदल में उगने वाली बेंतों से कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। दलदल दलदल में उगने वाले बेंतों से कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। बेंतों का एक प्रकार के डंडे से होते हैं, बेंत होती है जिनसे क्या है विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। कहीं कहीं लोहे का प्रयोग भी किया जाता है, लोहे का प्रयोग भी होने लगा है। शतुर्मुर्ग शतुर्मुर्ग और जिराफ इनकी हड्डियों को नुकीला करके घिसकर नुकीला बनाया जाता है और तीर का आकार भाग बनाया जाता है। शतुर्मुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाया जाता है और तीर के आकार भाग में काम में लाया जाता है। धनुष बाण के अतिरिक्त ये लोग छड़ी है, धनुष बाण का मुख्य यंत्र है, छड़ी को काम में लेते हैं, चाकू काम में लेते हैं और अग्निदंड ये इनके क्या है मुख्य औजार हथियार है, औजार है। मुख्य रूप से शतुर्मुर्ग है और जिराफ की हड्डियां हैं, इनसे इनको घिसकर नुकीला बना लिया जाता है। तीर के आगे वाले भाग में काम में लगाते हैं, आगे वाले भाग में लगाते हैं इसको, जो तीर के आगे भाग में लगाया जाता है। धनुष बाण है, इसके अतिरिक्त ये लोग छड़ी है, चाकू है, अग्निदंड भी रखते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग पैदा की जाती है, अग्निदंड का आपको दो लकड़ियां होती हैं उनको आपस में रगड़कर आग पैदा की जाती है। शतुर्मुर्ग के अंडे मुख्य इनका जो बर्तन है, बर्तन लिख रखा है बर्तन, तो जो शतुर्मुर्ग है शतुर्मुर्ग इसके अंडे के कोल, इसका अंडा बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए, इसके अंडे का जो खोल होता है उसे पानी भरने के लिए, भोजन रखने के लिए शतुर्मुर्ग का अंडा होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तथा आभूषण बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दो चीजों में महत्वपूर्ण है, एक तो जल भरने के लिए, भोजन रखने के लिए, और दूसरा आभूषण बनाने के लिए। शतुर्मुर्ग का जो अंडा है उसके खोल का प्रयोग किया जाता है। तो इनकी जो औजार और बर्तन है, औजार और बर्तनों में मुख्य रूप से तीर कमान होते हैं, फेंके जाने वाला नुकीला डंडा है, बाला है, बर्छा है, अग्निदंड है, एक बर्छा और इसमें बर्छा, लकड़ी से बने तीर होते हैं, फेंके जाने वाला नुकीला डंडा होता है, बाला होता है, बर्छा होता है, अग्निदंड होता है। ये इनके मुख्य औजार है। पेड़ों की छिलकों से रस्सी बनाई जाती है, दलदल में उगने वाली बेंत है उससे कई प्रकार का सामान बनाया जाता है, कहीं कहीं लोहे का प्रयोग भी होता है। शतुर्मुर्ग है और जिराफ है, इनके पेड़ों की जो पैर है, पैर के हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाया जाता है, जो आपके तीर के आगे भाग के रूप में काम में लेते हैं। धनुष बाण है, इसके अतिरिक्त ये लोग क्या है छड़ी है, चाकू है, अग्निदंड है, इनका भी प्रयोग करते हैं, अपने पास रखते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग पैदा की जाती है। शतुर्मुर्ग इनका महत्वपूर्ण पशु जानवर काम में लेते हैं, अंडे को शतुर्मुर्ग का अंडा रहता है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, बर्तनों के लिए भी काम में लेते हैं और उसे आभूषण भी बनाया जाता है। तो शतुर्मुर्ग का अंडा है, इसका उपयोग जल भरने के लिए, भोजन रखने के लिए, आभूषण बनाने के लिए भी काम में लेते हैं। अगली इनकी विशेषता है उसमें इनकी सामाजिक व्यवस्था,
इससे पहले इनका जितना भी है ये सारे प्रश्न आर्थिक क्रियाओं में आएगा। आगे पूछते हैं इनका समाज किस प्रकार से होता है, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो बुशमैन है इनकी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जो समुदाय है इसके अंतर्गत बुशमैन का एक छोटा सा दल होता है, बुशमैन का एक छोटा सा दल होता है, बुशमैन का एक छोटा दल होता है, एक छोटी टुकड़ी होती है जो सामान्यतः रक्त और युवा से संबंधित होती है। ये दल होता है, ये सामान्यतः एक तो रक्त और युवा से संबंधित होता है। मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो सामाजिक व्यवस्था इनकी, तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है, ये दल सामान्यतः रक्त और विवाह से संबंधित होता है, विवाह दूसरी टुकड़ी में किया जाता है, इनका जो विवाह है ये दूसरी टुकड़ी में किया जाता है, विवाह होता है वो दूसरे जो टुकड़ी है दूसरी टुकड़ी में किया जाता है। छोटे छोटे दल है व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जाया करते हैं, छोटे छोटे दल होते हैं वो व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये लोग भोजन और चमड़े के बदले में शस्त्र तथा आभूषण प्राप्त करते हैं, छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे दल व्यापार के लिए जाते हैं और व्यापार में ये लोग क्या करते हैं अपने जो स्थान है जो जंगल है उनसे भोजन और चमड़ा प्राप्त करते हैं, भोजन और चमड़ा, भोजन और चमड़ा ये प्राप्त कर लेते हैं, ये इनको व्यापार में काम लेते हैं, इनको इनके बदले में जो एक तो शस्त्र प्राप्त करते हैं और आभूषण प्राप्त करते हैं, शस्त्र और आभूषण मुख्य रूप से है। ये शस्त्र और आभूषण है, भोजन और चमड़े के बदले में ये लोग शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन पर वातावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है, इनका विकास सदा ही शुष्क वातावरण में हुआ है, इन पर बुशमैन लोग हैं इन पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, अमिट छाप है वातावरण की इनके ऊपर, इनका विकास सदा ही शुष्क वातावरण में हुआ है, शुष्क वातावरण इनका विकास हमेशा है शुष्क वातावरण में हुआ है। इसलिए क्या है कि इनका अभी तक मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है, विकास का शुष्क वातावरण में होने के कारण से इनमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है, अतः है बहुत कम मौलिक परिवर्तन इनमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग क्या है दूसरे लोगों से मिलते नहीं कब मिलते हैं और इन पर वातावरण का भी प्रभाव होने के कारण से जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को ही बनाए हुए हैं। इस प्रदेश में आर्थिक क्रिया और जीवन यापन के साधन है उनका अभाव, निरंतर अभाव है, कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रदेश की आर्थिक क्रिया, इस प्रदेश की आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया जीवन यापन के जो साधन है, आर्थिक क्रिया जीवन यापन के साधनों का अभाव निरंतर इनकी संख्या को कम होती जा रही है, आर्थिक क्रिया कम है जीवन यापन के साधन कम है, इन कारण से जो आर्थिक क्रिया और जीवन यापन के साधन इनकी कमी के कारण से इनकी संख्या है ये दिनों दिन कम होती जा रही है। ये लोग मुख्य रूप से देवी देवता और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, देवी देवता और भूत प्रेत में, देवी देवता और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, विश्वास ये लोग हैं वो देवी देवता है भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। ईश्वर स्वर्ग नरक के संबंध में इनके विचार हैं वो अस्पष्ट, क्या है ईश्वर
ईश्वर स्वर्ग नरक, ईश्वर स्वर्ग नरक के संबंध में इनके जो विचार है वो अशोक जनजाति है उससे का आधुनिक समाज से संपर्क। अगला आपका टॉपिक है उसमें समाज का आधुनिक समाज से किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से संबंध रखते हैं। तो वर्तमान समय में जो कालाहारी के मुस्तल की जीवन शैली पर पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, वर्तमान समय में जो कालाहारी के मुस्तल है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाले बुशमैन, कालाहारी बुशमैन है, इनकी जीवन शैली पर पाश्चात्य अंग्रेज लोगों का, आधुनिक लोगों का पाश्चात्य समाज का, पाश्चात्य लोगों का प्रभाव पड़ रहा है, पाश्चात्य शैली का प्रभाव पड़ रहा है। तो वर्तमान समय में कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाले बुशमैन की जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है बुशमैन पर, पाश्चात्य जो वातावरण है, पाश्चात्य लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, इनका प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में जो कालाहारी मुस्तक में निवास करने वाले पाश्चात्य लोगों का प्रभाव पड़ रहा है, निवास करने वाले बुशमैन पर पाश्चात्य लोगों का प्रभाव पड़ रहा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ जहां जल की प्राप्ति होती है वहां कुछ मात्रा में कृषि करने लगे हैं। तो उनका मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? आखेट है। इनकी आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से तो क्या है? आखेट। लेकिन जहां जल की प्राप्ति हो जाती है, जल की प्राप्ति वाले स्थान पर ये खेती करने लगे, जीवन शैली बदल गई। पहले पूर्ण रूप से किस पर आधारित थे? आखेट पर आधारित थे। लेकिन जहां कहीं भी जल की प्राप्ति हो जाती है वहां कुछ मात्रा में कृषि भी होने लगी है, कुछ मात्रा में। अधिकांश लोग क्या करते हैं? अधिक मात्रा में आर्थिक क्रिया कौन सी? आखेट। जीवन का मुख्य अंग कौन सा? इनका आखेट है। लेकिन जल की प्राप्ति जहां हो जाती है वहां कुछ मात्रा में कृषि कार्य भी किया जाने लगा है। ये लोग अब अन्य लोगों से व्यापार व अनाज प्राप्त करने लगे हैं। ये लोग क्या करने लगे हैं? इनकी जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये छोटे छोटे टुकड़े में व्यापार करते हैं, छोटे छोटे समूह में व्यापार करते हैं। पास के लोगों से ये व्यापार करने लगे हैं। व्यापार में क्या करते हैं? ये लोग भोजन और शिकार किया हुआ मांस व चमड़ा, इसके बदले में एक तो शस्त्र प्राप्त करते हैं और एक आभूषण और एक अनाज। आजकल ये लोग क्या करने लगे हैं? छोटे छोटे समुदाय में व्यापार करने लगे हैं। व्यापार में ये लोग शिकार किया हुआ जो भी माल है, शिकार भोजन मांस और चमड़ा, इनका तो दूसरे देशों को देते हैं। इसके बदले में क्या है? ये इनसे शस्त्र आभूषण और अनाज प्राप्त करने लगे हैं। तो मुख्य बदलाव आ रहा है। पहले ये लोग सिर्फ आखेट पर आधारित थे, दूसरे लोगों से मिलते नहीं थे, जंगल में भाग जाते थे।
दूसरे लोगों से संपर्क कम था। अब ये लोग क्या है, ये लोग व्यापार करते हैं और अनाज प्राप्त करते हैं, आभूषण प्राप्त करते हैं, शस्त्र प्राप्त करते हैं और अपने चमड़ा है शिकार की जो किया हुआ है, शिकार किया हुआ वो सामान और पास में चमड़ा है, इसको इसके बदले में ये लोग हैं आभूषण है, अनाज है, शस्त्र है, इनका व्यापार करते हैं, बदले में प्राप्त करते हैं, अनाज प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री में अब बदलाव आ रहा है। अब क्या है, पहले थे पूर्ण रूप से क्या करते थे, आप खेत पर शिकार करने लगे थे, अब क्या है ये अनाज का प्रयोग करने लगे हैं, अतः इनकी भोजन सामग्री में परिवर्तन हो रहा है, भोजन सामग्री में परिवर्तन आ रहा है, भोजन सामग्री है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे पिग्मी लोग हैं, ये मुख्य रूप से क्या है, ये जाति है मुख्य रूप से जो गर्म और शुष्क वातावरण में अपना जीवन यापन करती है, कठोर जीवन यापन करती है, इनका जीवन यापन का तरीका है वो कठोर है, इनको वातावरण में क्या है कि ऐसी जाति है, यह एक ऐसी जाति है जो गर्म और शुष्क वातावरण में अपना जीवन यापन करती है, इनको क्या है, इनका वातावरण काला लेकिन मुश्किल है, कालाहारी मुश्किल बोसवाना है, बचोवालैंड है, तो यहाँ का जो मौसम है ये क्या है, शुष्क शुष्क मौसम है और आपका गर्म मौसम है, शुष्क मौसम है और साथ में क्या है गर्मी अधिक पड़ती है, गर्म और शुष्क वातावरण होने के कारण से इनके जीवन से निपट इनका वातावरण है ये कठोर वातावरण है, वातावरण किस प्रकार का कठोर में जीवन यापन करना पड़ता है, जीवन यापन करना पड़ता है, इनका जीवन कठिन है, जीवन शैली कठिन है इनकी, इनकी जीवन शैली पर शुष्कता का, गर्म मौसम का, वातावरण का प्रभाव इनकी जीवन पर अमिट छाप छोड़ता है। वर्तमान समय में ये लोग क्या है, पाश्चात्य लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, इनकी भोजन सामग्री है, इनके वस्त्र हैं, इसमें अब परिवर्तन आ रहा है, लोगों से ये आभूषण खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, शस्त्र खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, बदले में अपने शिकार किया हुआ सामान और चमड़ा, ये विनिमय का साधन इनके पास है, इनका ये व्यापार करते हैं, छोटे छोटे समुदाय में व्यापार करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बुशमैन जो जनजाति है ये समझ में आ गई होगी। एक जनजाति का प्रश्न है बड़ा आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से वैसे निवेदन नहीं करना चाहिए, टीचर हूँ अध्यापक हूँ, फिर भी आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को देखें, कोविड महामारी है, ऑफलाइन क्लास अभी नहीं हो रही है, अब जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होती है आप लोग कृपा करें आप लोग वीडियो देखें, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप दूरभाष से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को जब तक ये वीडियो नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं आप लोग इनको वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, आप लोगों ने वीडियो को देखा, समझा, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।